तरह से बना रहे हैं, सबको पसंद आने वाली है और जल्दी से बनने वाली टेस्टी। तो किस तरह से बना रहे हैं वो अभी हम देख लेते हैं। हमें पहले चटनी बनानी है, इसके लिए मैंने एक टेबल स्पून उड़द दाल, एक टेबल स्पून मूंग दाल और एक टेबल स्पून चना दाल, साथ में एक टेबल स्पून मूंगफली और साथ में एक टेबल स्पून जितना डेसिकेट कोकोनट। अभी ये जो तीन दाल है और साथ में ये मूंगफली, इसे हमें रोस्ट करना है। तो हम अभी गैस की तरफ चलते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तीनों दाल हम साथ में डाल देते हैं और इसे हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेक लेते हैं ताकि हमारी चटनी बढ़िया सी आए। इसे हमें रोस्ट अच्छी तरह से करना है। दाल का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है, इसकी खुशबू भी आ रही है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अभी इसे में हम मूंगफली डाल देते हैं और इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली भी रोस्ट हो गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और मूंगफली को ठंडा होने देते हैं। मूंगफली के कवर निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत है तो वो मैंने रहने दिए हैं, अच्छे लगते हैं। तो अभी हम इसे छोटे मिक्सी जार में लेंगे, इसमें जो हमने दाल ली है वो पहले डाल देते हैं, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट, ये सूखी लाल मिर्च इसे हमें तोड़ के डाल देंगे। रोस्टेड मूंगफली, तीन लहसुन की कली, आधा टीस्पून जितना जीरा, दो चम्मच दही, टेबलस्पून जितना स्वादानुसार नमक। अभी इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। इसमें थोड़ा धनिया, चटनी हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसे 1/3 कप जितना पानी डाला है, तो इसे हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। अभी इसे हम तड़के की शुरुआत करते हैं, तड़के के लिए तैयार है। अभी हम तड़का लगा रहे हैं, इसके लिए 1/4 टीस्पून जितनी राई, 1/4 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितना तेल, 1/4 हींग। गैस को हम ऑफ करते हैं और इसे हम चटनी में डालते हैं। तड़का हम चटनी में डाल देते हैं। और अभी हम आगे की तैयारी करते हैं। चटनी हमारी हो गई है तो इसे हम साइड पर रखते हैं। अभी जो हमने ब्रेकफास्ट बनाना है, इसके लिए मैंने ये मूंग लिया है, इसे 8 घंटे तक भिगो के रखा है, तो ये एकदम नरम हो गए हैं। तो इसका पानी पूरा मैंने निकाल लिया है। ये तो ये 1 कप जितना मैंने मूंग भिगोया हुआ जो लिया है, इसी से आधे माप से मैंने ये बासमती चावल लिए, इसे भी मैंने साथ में ही भिगोए थे, ये भी 7-8 घंटे तक भिगोए हुए हैं, तो इसका भी पानी निकाल दिया है। तो अभी इसे हम मिक्सी में ले लेते हैं। इसमें हम पहले चावल डाल देते हैं, दोनों साथ में ही पीस लेंगे। साथ में मैंने लिया है धनिया, 1 बाउल जितना धनिया, ये मूंग, आधा इंच अदरक के टुकड़े, 5-6 लहसुन, 1 सूखी लाल मिर्च,
आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। आधा टीस्पून जितना जीरा स्वादानुसार, नमक, दही 3 टेबलस्पून जितना दही, अभी इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इस तरह से हमने बना दिया है तो इसमें आधा ग्लास जितना मैंने पानी डाला था तो अभी इसे बड़े बाउल में ट्रांसफर करते हैं। हमने इस तरह से बना दिया है तो इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल देते हैं और इसे भी हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। अभी इस तरह से मिला दिया है तो इसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। बिल्कुल इतना सा ही डालेंगे और इसे भी हम मिला लेते हैं इस तरह से। अभी अच्छी तरह से हमने मिला दिया है तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हम पहले तवे पे तेल डालते हैं इस तरह से और इसे हम टिश्यू पेपर से निकाल देंगे। अभी इसमें पानी छिड़क देते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। इसे भी हम निकाल देते हैं। अभी गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अभी इसमें हम इस तरह से धीरे से डालेंगे। और इस तरह से हम फैलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से फैलाएंगे। अभी गैस का फ्लेम हम थोड़ा हाई करते हैं और साइड में हम तेल लगा देते हैं इस तरह से। और इसे हम अच्छी तरह से होने देते हैं। इसे हम साइड से भी इस तरह से करेंगे ताकि सब जगह से ही अच्छी तरह से बने। अभी इसे हम पलटा देते हैं, बिल्कुल हल्का अच्छा पलटाएंगे। मस्त इतना बढ़िया सा हुआ है। अभी इसी में भी हम तेल लगाते हैं और नीचे के साइड भी अच्छी तरह से होने देते हैं। अभी हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं। दूसरी साइड भी हमारी बढ़िया सी हो गई है तो इसे हम निकाल देते हैं। वापस हम पानी के छींटे मारके टिश्यू पेपर से इस तरह से दूसरा भी हम बनाने के लिए रख देते हैं। अभी इसे ही अच्छी तरह से होने देते हैं। जो हमने डोसा बनाया है इसे हम गोल कर देते हैं इस तरह से। वाह मस्त है। अभी दूसरा भी बना लेते हैं। ये एक साइड से हो गया है तो इसे भी हम पलटा देते हैं। बढ़िया सा
इसमें थोड़ा सा तेल डाले और दूसरी साइड भी सेम वैसे ही होने देते हैं। डोसा हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो गया है बढ़िया सा, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे हम डिश में ले लेते हैं। हमारा डोसा बिल्कुल रेडी है, इसके साथ हमने जो चटनी बनाई है वो सर्व करते हैं। एकदम मस्त टेस्ट, गजब की, खाने वाले खाते रह जाएंगे इस तरह से बढ़िया सी हमारी चटनी साथ में डोसा, एकदम यम्मी यम्मी। इस तरह से स्नैक बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस तरह से जरूर बनाइए, घर वालों को जरूर पसंद आएगा, इस तरह से जरूर बनाइए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।